अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फिर मैं एक दफ़ा से मुखातिब हूँ अपने यूएई के दोस्तों से और देखने वालों से। आज 1 अप्रैल 2020 आज जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग अपने वीज़ाज़ को लेके परेशान थे। तो उसकी डिटेल मैं आगे आपको बताता हूँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को लाजम दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मौसूल हो सके। तो आज 1 अप्रैल 2020 को एक नया नोटिफिकेशन आया है जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर की तरफ से कि 1 मार्च 2020 तक जितने भी वीज़ाज थे, जिस भी कैटेगरी के थे, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या रेजिडेंसी वीज़ा हो, जो एक्सपायर हो गए थे वो भी, और जो लोग अभी नहीं आए थे उन वीज़ाज पे, वो भी सब एक्सटेंड कर दिए गए हैं मज़ीद 3 महीने के लिए, यानी 90 दिन के लिए। जिनकी डेट जहाँ तक थी वो आगे से उसमें 90 दिन प्लस कर सकते हैं ये भी। और रेजिडेंस वीज़ा वालों के लिए है कि जो लोग यूएई में मौजूद नहीं थे और वो अपने होम कंट्री गए हुए थे या कहीं आउट ऑफ कंट्री थे और वो 6 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक वापस नहीं आ सके हैं, तो उन लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी ये रूल है कि उनका भी मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उनके लिए कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। और साथ ही एक और ऐलान हुआ है कि जितने भी एमरेट्स आईडी इस वक्त देने वाले के लिए हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी। सो ये जितने भी वीज़ाज थे, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, रेजिडेंस वीज़ा हो, जो लोग यहाँ हैं जिनका एक्सपायर हो गया था या जो लोग अब तक नहीं आ चुके हैं, वो तमाम लोगों का मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बिल्कुल इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई पेनल्टी भरनी है या कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी को देना है, वो ऑटोमेटिकली आपके मज़ीद 90 दिन उसमें प्लस हो चुके हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। और अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद कोई मालूमात दरकार हैं ऑफिशियल तरीके से, तो आप आमिर सर्विस है, उसका नंबर है 800-5111। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, 800-5111 आमिर सर्विसेज का नंबर है। तो आप इनको कॉल करके यहाँ से कंप्लीट मालूमात ले सकते हैं, जो कि मुकम्मल आपको गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियल मालूमात दी जाती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।